जय श्री राम गाइस। यह है दोस्तों ज़ेप्रोनिस कंपनी की तरफ से आने वाला ज़ेप्रोनिस का म्यूजिक बॉम 40 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर। ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है दोस्तों, इसको मैं कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ आप लोगों को इसका सही रिव्यू देने के लिए। इस ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर आप लोगों को ऐसी बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती है जो कि आप लोग काफी ज्यादा पसंद आएंगी। जैसे कि 10 वॉट का आप लोग को आउटपुट देखने के लिए मिल जाता है, 15 आवर्स का आप लोग को प्लेबैक टाइम देखने के लिए मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन हाँ, इस स्पीकर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोग को शायद पसंद ना आए। बात करेंगे उन सारी चीजों के बारे में भी, एंड आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या आप लोगों को इस बजट में इस स्पीकर को परचेस करना चाहिए या फिर आप लोगों के पास इससे बढ़िया कोई ऑप्शन अवेलेबल है इस बजट में। सारी बातें करेंगे, इसलिए बिना टाइम वेस्ट के चलिए फटाफट से चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। यहाँ पर की साइड में कुछ उसके की फीचर वगैरह मेंशन है जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही आप लोगों को स्पीकर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये रहा हुआ स्पीकर। और अगर आप लोगों को फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूं तो अच्छी बिल्ड क्वालिटी आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। स्पीकर के दोनों साइड आप लोगों को रबराइज पैडिंग देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर 2 आप लोगों को रेडिएटर देखने के लिए मिल जाते हैं। सामने की साइड में आप लोगों को स्पीकर मैश एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वॉल्यूम कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। एंड ये दोनों जो बटन है, इसकी मदद से आप लोग जो नेक्स्ट सॉन्ग एंड प्रीवियस सॉन्ग अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहां पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को यहां पर में काफी सारे बटन एंड पोर्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बटन के बारे में बात कर ले तो ये जो आप लोग बटन देख रहे हैं, ये जो ऑन ऑफ का बटन है, ये जो बटन आप लोग देख रहे हैं, ये जो TWS का बटन है, इसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आप लोग और एक ऐसा स्पीकर परचेस कर लेंगे तो आप दोनों स्पीकर को आप लोग साथ में कनेक्ट करके स्टीरियो का मजा आप लोग ले सकते हैं। उसी के साथ साथ यहां पर ये जो बटन आप लोग देख रहे हैं, ये जो बेसिकली इसके अंदर जो लाइट है उसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, RGB लाइटिंग को। उसके नीचे यहां पर आप लोग को फ्लैप दिया हुआ है। जैसे ही आप इस फ्लैप को ऊपर की तरफ करेंगे, यहाँ पर आप लोगों के सामने काफी सारे ऑप्शन निकल के आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ऑक्स का फीचर दिया हुआ है, जिसकी मदद से आप लोग इस स्पीकर को अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके साइड में यहाँ पर आप लोगों को TF कार्ड यानी कि मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके नीचे यहाँ पर आप लोग पेन ड्राइव या फिर कार्ड रीडर के अंदर मेमोरी कार्ड लगा के गाने सुन सकते हैं। उसके साइड में यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आप लोगों को दिया हुआ है। उसके ऊपर यहाँ पर आप लोगों को इंडिकेशन लाइट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो ये तो हो गया इस वाले स्पीकर का ओवरव्यू। अब अगर आप लोगों से बात कर लूँ कि बॉक्स कंटेंट आप लोगों को और क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। बॉक्स के अंदर आप लोगों को एक ऑक्स केबल देखने के लिए मिलती है, जिसकी क्वालिटी आप लोगों को डिसेंट देखने के लिए मिल जाती है। उसी के साथ साथ आप लोगों को एक USB टाइप सी चार्जिंग केबल बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिल जाती है, जिसकी भी क्वालिटी आप लोगों को ठीक देखने के लिए मिलती है। उसी के साथ साथ बॉक्स के अंदर आप लोगों को एक यूजर मैनुअल देखने के लिए मिलती है। बेसिकली यहां पर इस QR कोड को स्कैन करके आप लोग जो यूजर मैनुअल को रीड कर सकते हैं। अब अगर आप लोगों को सबसे पहले बात कर लूं स्पीकर की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। यहां पर आप लोगों को स्ट्रैप भी इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, जिसकी मदद से ट्रैवलिंग वगैरह में काफी कन्वीनियंट हो जाता है इसको यूज करना। एंड पूरी की पूरी रबराइज बॉडी आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। वेट की अगर बात करूं तो 400 से 500 ग्राम के अप्रोक्स आप लोगों को स्पीकर का वेट देखने के लिए मिलेगा। सामने की साइड में ये जो दोस्तों जितना भी एरिया है, यहाँ पर RGB लाइटिंग का इफेक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो फटाफट से स्पीकर को ऑन कर लेते हैं, आप लोगों को जो इसके फीचर के बारे में बता देता हूं, इसकी साउंड क्वालिटी का टेस्ट कर लेते हैं। तो स्पीकर को ऑन करने के लिए ये जो बटन आप लोग देख रहे हैं, इसको आप लोगों को होल्ड करके रखना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, स्पीकर हमारा ऑन हो चुका है और यहाँ पर RGB लाइटिंग के नशे आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। ये जो नशे है दोस्तों, इसको आप लोग जो कस्टमाइज कर सकते हैं। जो नीचे यहाँ पर ये जो सूरज वाला बटन आप लोग देख रहे हैं, जैसे ही आप लोग इसके ऊपर प्रेस करेंगे तब आप लोग को डिफरेंट मोड आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक मोड है। और बेसिकली होता क्या है कि जितने ही मोड है जो म्यूजिक के हिसाब से सिंक्रोनाइज है, तो जैसे यहाँ पर म्यूजिक चलती है उसके हिसाब से यहाँ पर मैं इसके अंदर जो है चेंजेस होते रहते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को और काफी सारे मोड देखने के लिए मिलते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक मोड आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, ये एक मोड आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। एंड अगर आप लोग लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तब ये जो RGB लाइटिंग का जो इफेक्ट है इसको आप लोग ऑफ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप लोगों को स्पीकर के अंदर FM मोड एंड कॉल फंक्शन भी देखने के लिए मिलता है, जिसको कि अभी हम लोग आगे टेस्ट करेंगे। अब अगर आप लोगों से बात कर ले मेन कि इस स्पीकर की साउंड क्वालिटी कैसी है, तो ऑडियो का सैंपल यहाँ पर आप लोग सुन सकते हैं। Volume.
तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने स्पीकर की साउंड क्वालिटी सुनी, ये जो स्पीकर है इसकी साउंड क्वालिटी आप लोगों को डिसेंट देखने के लिए मिलती है। मतलब अगर आप लोग एक सीरियस बेस लवर हैं तब आप लोगों को ये स्पीकर पसंद नहीं आएगा। इस स्पीकर का बेस आप लोगों को पंची देखने के लिए मिलता है, डीप आप लोगों को देखने के लिए कम मिलता है। मतलब इस स्पीकर का बेस आप लोगों को फील तो होगा लेकिन इतना ज़्यादा फील आप लोगों को इस स्पीकर का बेस नहीं होगा। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों से ऑडियो डिस्टॉर्शन के बारे में बात करूँ तो थोड़ा बहुत ऑडियो डिस्टॉर्शन भी आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। जब आप लोग जो 90% वॉल्यूम से अबव जाएंगे, मतलब अगर आप लोग 100% वॉल्यूम पे इस स्पीकर के अंदर गाने सुनेंगे तो आप थोड़ी सी जो आवाज़ है वो जो फट्टी है इस स्पीकर के अंदर, ये चीज़ मैंने नोटिस करी। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों से मिड्स और हाइस की बात करूँ तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो प्रोसेस कर पाता है। इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन जो है वो आप लोग काफ़ी अच्छा इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि बेस आप लोग हल्का सा कम इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। ऑडियो डिस्टॉर्शन की शिकायत भी आप लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। लाउडनेस की अगर बात करें तो भरपूर लाउडनेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। 100 से 120 स्क्वायर फीट का रूम आप लोग जो आराम से इसकी मदद से कवर कर सकते हैं, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों से इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी की बात करूं तो माइक्रोफोन की ऑडियो सैंपल आप लोग यहां पर सुन सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना, इस स्पीकर का माइक्रोफोन आप लोगों को डिसेंट देखने के लिए मिल रहा है। खैर जितने भी ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं उनके माइक्रोफोन आप लोगों को इतने ज्यादा कोई बढ़िया देखने के लिए नहीं मिलते, इसका भी वैसा ही है। लेकिन अगर आप लोगों से साउंड क्वालिटी के बारे में मेन बात करूं तो इतनी ज्यादा कोई खास पसंद मुझे इसकी साउंड क्वालिटी नहीं आई। अगर आप लोग मेरे से जेन्युइनली पूछेंगे कोई इतने ज्यादा भाई दम वाली बात इसके अंदर नहीं है। मतलब कुल मिला के दोस्तों ये जो स्पीकर है जो हवाबाजी के लिए अच्छा है, ये जो आरजीबी लाइटिंग का जो नशा है ये आप लोग काफी अच्छा इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे म्यूजिक इंजॉय करने के पर्पज से एंड साउंड क्वालिटी अगर आप लोग एकदम तगड़ी चाहिए तो वो चीज आप लोग इसके अंदर एक्सपेक्ट मत करना। हवाबाजी फुल है इसके अंदर लेकिन ऐसे कोई मजे वाली बात इसके अंदर नहीं है कि अगर आप लोग गाने सुने तब आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आ जाए। मजा आप लोग को जरूर आने वाला है, बेस आप लोग को फील होगा लेकिन उतना ज्यादा बेस आप लोग को फील नहीं होगा। मतलब इससे बढ़िया ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है अगर आप लोगों से सीधी भाषा में बात करूँ तो। और वो कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, वो जो जेब्रोनिक्स की वीटा प्लस साउंड बार का ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जो कि दोस्तों विंग्स कंपनी की तरफ से आने वाली सेंटर स्टेज 200 साउंड बार। अब दोस्तों मैंने ये आप लोगों को सजेशन दिए, मैंने दोनों कंपनी से कोई पैसे नहीं लिए, खैर मैं जेब्रोनिक्स की यहाँ पर आप लोगों के सामने बुराई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोग क्लियर बता दूँ कि जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वही मैं प्रमोट करता हूँ। मुझे जो पसंद नहीं है, जैसे मुझे स्पीकर कोई इतना ज़्यादा इसकी साउंड क्वालिटी पसंद नहीं है, मैंने आप लोगों के सामने बता दिया कि भाई मुझे जो पसंद नहीं है, जो चीज़ मुझे दोस्तों अच्छी लगती है उसी चीज़ को परचेज करने का ही मैं आप लोगों को सजेशन देता हूँ। ये जो दोस्तों दोनों स्पीकर मैंने आप लोगों को बताया इनकी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है और लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हैं उन वीडियो को। तो दोस्तों बस ये सारी कहानी जेब्रोनिक्स साउंड बॉम 40 की, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप लोगों को सवाल हो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल के लिए मैं इतना ही, मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत, अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।